हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 11th के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक शुरू किया था और उस वीडियो में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूलों को समझा था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने उन वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये चैप्टर 11th और 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ में बीएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। इसलिए इस वीडियो को आप भी बिना स्किप किए एंड तक देखें और सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, उसका ये सबसे पहला एग्जांपल है चेंज इनटू रेडियन, यानी 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में हमें चेंज करना है। देखिए यहां पर 40 के ऊपर तो डिग्री लिखा हुआ है और 20 के ऊपर जो ये सिंगल डैश लग रहा है, तो ये सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट, ठीक है। तो 40 डिग्री और 20 मिनट को हमें रेडियन में चेंज करना है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। हमने अपने पिछले वीडियो में ये सब देखा था, सारे रिलेशन हमने देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिए। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो हमें यहाँ पर 20 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 20 मिनट जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये कितने डिग्री के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर दोनों पक्षों में हम 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 डिग्री, और इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट। 3 से कट जाएगा 60, 20 रह जाएगा, तो 20 मिनट बराबर हो गया 1/3 डिग्री। अब आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि रेडियन में किसको बदलते हैं हम, रेडियन में हमेशा डिग्री को बदला जाता है। तो यहां पर जो हमें प्रश्न दिया हुआ था ये 40 डिग्री और 20 मिनट है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे पद को, हमें इस टर्म को डिग्री में पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको रेडियन में बदल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ये निकाल लिया कि 20 मिनट बराबर 1/3 डिग्री होता है। तो चलिए अब टोटल कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। तो 40 डिग्री और 20 मिनट बराबर हो जाएगा 40 डिग्री और 20 मिनट की जगह पर 1/3 डिग्री, और ये डिग्री हम एक साथ लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। 40 डिग्री पहले से ही था और 20 मिनट भी 1/3 डिग्री हो गया, तो दोनों के ऊपर 3 डिग्री, ये डिग्री एक साथ लगा दी हमने। अब इसको मिश्र भिन्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। अब 121/3 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, पाई 180 से गुणा करते हैं। तो पाई 180 से गुणा करने पर तो जो भी डिग्री हमको दे रखी है या जो भी डिग्री हमने निकाल ली है उसको पाई 180 से हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 121/3 गुणा पाई 180, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये किसी संख्या से कटती है तो यहाँ पर ये अभी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा,
इसलिए ये हो जाएगा 121 पाई बटे 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर हो गया। बस हमको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, 40 डिग्री 20 मिनट बराबर 121 पाई बटे 540 रेडियन, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये दूसरा एग्जांपल है, चेंज इनटू डिग्री 6 रेडियन। तो 6 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डिग्री में बदलने के लिए एक सौ अस्सी अपॉन पाई से गुणा करते हैं, ठीक है। जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, और डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो जो भी संख्या हमको दे रखी होती है तो उसको हमें क्या करना है, 180 बटे पाई से गुणा कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब क्या होगा कि ये इस तरह से एक संख्या आ जाएगी, 180 को हमने 6 से गुणा करा बटे में पाई आ गया, और ये डिग्री में चेंज हो गया। लेकिन डिग्री का जो आंसर होता है वो पूर्णांकों में आना चाहिए और पाई नहीं होना चाहिए उसमें। तो अगर पाई किसी तरह से नहीं कटता है तो पाई की वैल्यू हमें यहां पर 22 बटे 7 रखनी है, तो पाई की जगह पर 22 बटा 7 रखना है। और दूसरी चीज कि डिग्री का जो आंसर होता है वो या तो पूर्णांकों में होना चाहिए या फिर मिनट और सेकंड में होना चाहिए। तो यहां पर अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो मिनट और सेकंड के अंदर हम उसको चेंज करेंगे। तो देखिए यहां पर अभी क्या होगा, 1080 बटे पाई की जगह पर हमने लिख दिया 22 बटे 7, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा 1080 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा। इस जगह पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट लेंगे, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 540 बार। अब 540 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 से फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अब इसको 540 को 7 से हमने गुणा करा तीन हजार सात सौ अस्सी और बटे 11। तो देखिए यहां पर हम 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, रफ मान लेते हैं इधर, तो 3780 इसको हमने 11 से डिवाइड किया तो 3 बार गया 33 आ गया, इसके बाद 4 बच गया 8 उतार लिया, 11 का भाग 48 में 4 बार गया तो 44 हो गया और 4 बच गया, 0 उतार लिया 3 बार चला जाएगा और 33 हो गया, 7 शेष रह गया। तो जो शेष रह जाता है वो अब मिनट में चेंज होगा। तो मिनट में चेंज करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, अभी यहां पर बच रहा है 7 बटे 11, तो 11 से हमको डिवाइड करना है, तो यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, क्योंकि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। देखिए 3780 में हमने 11 का भाग लगाया तो 343 बार पूरा पूरा गया, तो ये डिग्री बन गया। इसके बाद नीचे जो शेष बच गया उसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये नीचे 7 डिग्री बचा हुआ है, डिग्री को मिनट में बदलना है, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं इसलिए 7 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो उसको 60 से गुणा करके हमने ले लिया 420। अब इस 420 में फिर से 11 का ही भाग लगाएंगे, तो फिर से 11 का जब भाग लगाएंगे तो ये जाएगा सबसे पहले कितनी बार, देखिए यहां पर हम दोबारा से 11 से जब भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा,
नौ बच गया और जीरो उतार ली। अब 11 का भाग इसमें 8 बार जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 88 और नीचे रह जाएगा 2। तो अब ये जो 88 38 बार पूरा पूरा भाग गया है, ये 38 बन गया मिनट। तो यहीं पर अब आ जाएगा 38 मिनट, लेकिन अभी भी शेष बच रहा है। अगर शेष नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, यहीं पर हमारा सवाल क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर शेष बच रहा है तो उसको अब चेंज करेंगे सेकंड में। ये जो बच रहा है नीचे दो, ये मिनट में बचा हुआ है, अब इसको हम सेकंड में बदलेंगे। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए दो मिनट के अंदर 120 सेकंड हो जाएंगे। अब 120 के अंदर भाग लगाएंगे दोबारा से 11 का, तो ये हो जाएगा। देखिए ये 120 है, तो लगभग 11 का भाग हम इसमें 10 बार दे सकते हैं। 11 का गुणा 10 बार अगर देते हैं तो 11 ढाई 110 होते हैं, लेकिन ये 120 है। देखिए अगर हम 10 बार भाग लगाते हैं तो 110 आता है और 10 बचते हैं, तो 10 शेष बच रहे हैं और 11 से हम भाग लगा रहे हैं, तो लगभग 11 बार ही चला जाएगा भाग। तो हम 10 की जगह पर यहां पर क्या करेंगे, 11 को हम लिख लेंगे यहां पर, तो ये 11 सेकंड बन जाएंगे, तो डबल डैश इसके ऊपर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर डिग्री का आंसर बटे में आता है तो हम उसको बटे में नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर मिनट और सेकंड में उसको चेंज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि मिनट और सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 11 से डिवाइड किया पूरी संख्या को, जितने बार पूरा पूरा भाग चला गया वो डिग्री बन गया यहाँ पर। फिर नीचे जो शेष बचा उसको हमने मिनट में चेंज करा 60 से गुणा करके, तो 420 हो गया, उसमें फिर से 11 का भाग लगाया तो 38 बार पूरा पूरा गया, तो ये 38 मिनट बन गया, तो यहाँ पर ये 38 आ गया। उसके बाद फिर नीचे शेष बच गया दो, तो ये दो मिनट बचा हुआ है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो दो मिनट बराबर 120 सेकंड हो गया। और 120 में जब हमने 11 का भाग लगाया तो लगभग 11 बार ये चला जाएगा, तो ये सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर नीचे कुछ शेष बच जाता है तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड बहुत छोटी इकाई है और उससे भी नीचे जब जाएंगे तो वो नैनो सेकंड वगैरह और छोटा हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो 6 रेडियन की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। तो ये 6 रेडियन को हमने चेंज किया है डिग्री के अंदर। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये थर्ड एग्जांपल है जिसमें दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। तो यहां पर हमको चाप की लंबाई दी हुई है, ये चाप की लंबाई दे रखी है और केंद्रीय कोण दे रखा है 60 डिग्री और त्रिज्या हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल बना करके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये क्या कंडीशन आ रही है। देखिए जैसे हमने मान लिया कि ये कोई वृत्त है, यहां पर इसका केंद्र हो गया वृत्त का और ये इसकी रेडियस हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई है। और ये हमको कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है आर, मान लेते हैं इसको हम आर। इस त्रिज्या ही तो हमको ज्ञात करनी है सवाल में, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यानी आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको हमने आर मान लिया। फिर हमने क्या करा कि इस केंद्र से एक और रेडियस हमने खींची, ये इस तरीके से। तो ये जो यहां पर ये कोण बन रहा है इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का, यही है केंद्रीय कोण। और ये कोण हमको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ये हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो दो पॉइंट हैं जो परिधि पर काट रहे हैं यहां से लेकर के और यहां तक, ये इस 60 डिग्री के कोण के द्वारा परिधि पर बनाया गया चाप है।
तो इस चाप की लंबाई हमको दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये सारे फॉर्मूले देखे थे, तो चाप की लंबाई का हमने एक फॉर्मूला देखा था। देखिए, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है पाई आर थीटा बटे 180। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर जो जो मान हमको दे रखे हैं वो सारे मान हम इसके अंदर रख देते हैं। तो चाप की लंबाई हमको दे रखी है 37.4 इक्वल टू, पाई की जगह पर हमको 22/7 लिखना है, सवाल में दिया हुआ है, ये पाई की जगह पर हमने 22/7 लिख दिया। आर की वैल्यू हमको निकालनी है, आर को ऐसा ही लिख दिया। थीटा की जगह पर हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, वो लिख लिया। और अपॉन में जो ये 180 है वो हमने यहां पर ले लिया। अब देखिए, यहां पर 60 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। अब जो कुछ भी बच रहा है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है और आर की वैल्यू यहां पर हमको निकालनी है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इस जगह पर जो ये आर लिखा हुआ है इस आर को यहीं छोड़ देंगे और यहां से 7 और बटे में जो ये 3 है, ये 7 और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 37.4 से और 22 से उसको डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये नहीं, हमारे पास समीकरण आ गई आर बराबर 37.4 इंटू 7 इंटू 3 और अपॉन 22। तो यहां पर 37.4 और 7 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 785.4 आ जाएगा और 22 से इसको डिवाइड करेंगे और 22 से डिवाइड करने के बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास आ जाएगा 35.7 और ये इकाई यहां पर सेंटीमीटर रहेगी। तो जो रेडियस है वृत्त की त्रिज्या है वो 35.7 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगी। तो एक चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमको यहां पर लगाना था। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4। एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, यहां पर ये हमें पता करना है। तो अभी हमें किस चीज का मान ज्ञात करना है उसको देखिए हम यहां पर देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लिया हमने घड़ी की परिधि है कोई और यहां पर इस घड़ी का सेंटर पॉइंट हो गया, यहां पर घड़ी में 12 होते हैं हमें मालूम है, इस जगह पर 3, यहां पर 6 हो जाएगा और इस जगह पर 9 हो जाएगा। तो अगर घड़ी की सुई मान लीजिए कि 12 पर है, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं हम, मिनट की सुई 12 पर है और ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए 3 पर आ जाती है, तो हमें यहां दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स कि 15 मिनट के अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 12 से चल करके अगर 3 पर आती है मिनट की सुई तो 15 मिनट हो जाते हैं और 15 मिनट के अंदर बन जाता है 90 डिग्री। यहां से हम 1 मिनट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 90 को 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। अब हमको प्रश्न में यह दिया हुआ है कि घड़ी के मिनट की सुई 40 मिनट में कितना दूर जाएगी, तो देखिए यहां पर 40 मिनट की वैल्यू निकालते हैं। तो 40 मिनट में जो एंगल बनेगा मिनट की सुई के द्वारा
इसको 40 से गुणा जब हम करेंगे तो 240 डिग्री बन जाएगा। तो 40 मिनट में मिनट की सुई 240 डिग्री का कोण तो बनाएगी, लेकिन कितना दूर जाएगी ये हमको यहां पर पता करना है। तो 40 मिनट कहां पर होते हैं, देखिए 15 पर 15 मिनट हो गए 3 पर आने से, अगर मिनट की सुई चलते चलते 6 पर आ जाएगी तो आधा घंटा यानी 30 मिनट हो गया। तो यहां पर 7 होगा और इस जगह पर 8 होगा, तो मिनट की सुई जब 8 पर आएगी इस तरीके से 8 पर आ जाएगी, 12 से चलते चलते 8 पर आ जाएगी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है यहां का ये 240 डिग्री है डियर स्टूडेंट्स। ये अंदर का जो पूरा एंगल है ये 240 डिग्री है। देखिए इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, अंदर अंदर का पूरा ये 240 डिग्री हो गया। ये तो इस 240 डिग्री के द्वारा एंगल के द्वारा जो ये परिधि पर दूरी बनी है ये वाली, ये जो दूरी है इस दूरी को हमें पता करना है कि ये इसने कितनी दूरी जो है तय करी है मिनट की सुई ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम पिछले 3-4 सवालों में करते आ रहे हैं। देखिए चाप की लंबाई इक्वल टू पाई आर थीटा बटे 180 होता है। अब हमको चाप की लंबाई तो ज्ञात करनी है, तो पाई की जगह पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 3.14 को यूज करना है। इसके अलावा आर की वैल्यू हमको दे रखी है सवाल में 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हमने 1.5 ले लिया। थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली 240 डिग्री आ गया, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा 180। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और जो भी आंसर आएगा वही चाप की लंबाई होगी। तो देखिए अगर हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं और 6 से हम इसको कैंसिल करते हैं 4 बार और 6 से इसको कैंसिल करते हैं 3 बार, ठीक है, और 3 से इस 15 को कैंसिल कर देते हैं 0.5 टाइम। अब ऊपर ऊपर की संख्या रह गई हमारे पास 3.14 इंटू 0.5 और इंटू 4, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो ये चाप की लंबाई आ गई 40 मिनट में घड़ी की सुई के द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई है ये, यानी 40 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तक जा पाएगी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री तथा 110 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको यहां पर निकालना है। बहुत आसान सवाल है, केवल चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमको यहां पर यूज करना है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह के अभी अभी हमने ऊपर 3-4 एग्जांपल किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि दो वृत्त हैं, तो हमने ये दो वृत्त ले लिए, इनके चापों की लंबाइयां समान है। देखिए ये जो चाप है यहां पर ए से बी मान लिया हमने इसको, ये ए पॉइंट है, ये पहला जो वृत्त है उसके चाप की लंबाई हो गई ए बी, तो ए बी, और इधर हमने मान लिया सी डी, दूसरे वाले वृत्त के अंदर जो चाप की लंबाई है वो सी डी है। तो प्रश्न में दे रखा है कि चापों की लंबाइयां समान है, इस वाले चाप की और इस वाले चाप की लंबाई समान है, और ये अपने केंद्रों पर 65 डिग्री और दूसरा वाला 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है ना वो हमें ज्ञात करना है। मान लिया पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 मान ली और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या हमने R2 मान ली, तो चापों की लंबाइयां हमको समान दे रखी है, तो हम क्या करेंगे चापों की लंबाइयों का ही जो है फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। देखिए
चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई इक्वल टू होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो अब हम पहले वाले वृत्त पर अगर आते हैं तो चाप की लंबाई ए बी है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा पाई, आर की जगह पर रेडियस हमने आर वन मान रखी है, और थीटा की जगह पर हम यहां पर लिख देंगे 65 पहले वाले वृत्त से, और अपॉन में 180। इसी तरीके से जब हम दूसरे वाले वृत्त पर आएंगे इसी फॉर्मूले को लेकर के, तब क्या होगा कि जब CD है वहां पर चाप की लंबाई, और CD बराबर हो जाएगा पाई, और वहां पर हमने रेडियस R2 मान रखी है, और एंगल वहां पर 110 दिया हुआ है, 110 डिग्री, और इसके बटे में 180 है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्रश्न में दे रखा है कि जो चाप की लंबाइयां हैं वो समान है। देखिए यदि AB इक्वल टू CD तो क्या होगा, दोनों चाप की लंबाइयों को हम समान कर देते हैं, तो पाई आर वन इंटू 65 अपॉन 180 बराबर पाई आर टू इंटू 110 अपॉन 180। तो अब देखिए यहां से क्या होगा कि 180 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमको आर वन और आर टू के बीच में अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से इस R2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर बटे में आ जाएगा, और 65 को जब इधर लाएंगे तो ये 110 के बटे में आ जाएगा। तो R1 बटे R2 की वैल्यू हम यहां से निकाल पाएंगे। देखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू 110 बटे 65, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 22 बार कट जाएगा, और 5 से ये 13 बार कट जाएगा। तो R1 अनुपात R2 इक्वल टू हो जाएगा 22 अनुपात 13। तो उन दोनों वृत्तों के जो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में अनुपात 22 बटे 22 अनुपात 13 हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 3.1 से पहले 5 एग्जाम्पल थे जो अभी हमने कर लिए। अब हम यहाँ पर 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सभी स्टूडेंट्स इसको एंड तक बिना स्किप किए देखेंगे तो सारे प्रश्न के सॉल्यूशन आपको समझ में आएंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स ये 3.1 एक्सरसाइज है। अब हम इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को मैं वैसे ही आपको समझा देता हूं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। जैसे 25 डिग्री पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करो, यानी हमको रेडियन माप इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई बटा 180 से जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए 25 डिग्री दे रखा है, तो ये जो 25 डिग्री है इसको पाई बटा 180 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 से इसको हम काट सकते हैं, ये 5 बार कट जाएगा, ये 36 बार यहां पर कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, तो ये रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को हम पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको हमने काटा तो 4 बार और ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 520 को भी हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए 520 को अगर हम पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 4 से इसको हमने काटा तो ये 13 बार कटेगा, और 4 से नहीं कटेगा, ये जिस भी से कटे 2 से काट लेते हैं तो 2 से ये 26 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 9 बार हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 26 पाई बटा 9। तो ये सब रेडियन में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बीच में एक पॉइंट बचता है
-47 डिग्री और 30 मिनट, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखिए तो यहां से एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन का हम सेकंड पॉइंट करते हैं, 47 डिग्री 30 मिनट को अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन का जो है सेकंड ऑप्शन हम कर रहे हैं, 47 डिग्री 30 मिनट माइनस में है और इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में इसको बदलने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, अभी हमने एक एग्जांपल किया था कि रेडियन को हम रेडियन को किसको बदलते हैं रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो यहां पर जो ये हमको संख्या दे रखी है इसमें 47 तो डिग्री है पर ये 30 मिनट लिखा हुआ है, इस 30 मिनट को भी हमें पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा और उसके बाद जब ये पूरी संख्या डिग्री में बदल जाएगी तब हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो यहां से हमको निकालना है 30 मिनट, तो हमने 2 का भाग लगा दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया 1/2 डिग्री और इधर हो जाएगा 60 में 2 का भाग लगाया तो 30 मिनट, यानी यहां पर जो ये 30 मिनट दे रखा है ना ये 1/2 डिग्री है। तो देखिए -47 डिग्री और 30 मिनट बराबर हो जाएगा -47 और 1/2, दोनों को मिलाकर के एक साथ हमने यहां पर डिग्री लगा दी। और इसको और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 2 को 47 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 94 और 1 उसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 95 और अपॉन 2 और ये डिग्री हो गया, तो 95/2 डिग्री ये हो गया। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं रेडियन में, तो 95/2 को रेडियन में बदलेंगे। अब रेडियन में बदलने पर, अब रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं जो भी संख्या होती है हमारे पास उसको, तो 95/2 को पाई बटे 180 से हम यहां पर गुणा कर देते हैं। तो 2 से 5 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से ये 19 बार हो जाएगा और 5 से ये 36 बार हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 19 पाई बटे 36 दुनी 72 हो जाएगा, बटे में 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 72। अब देखिए हमको जो ऊपर संख्या दे रखी है वो नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव से कोई चेंज होने वाला नहीं है, सब कुछ माइनस में ही चलता रहेगा, तो ये माइनस हो गया यहां पर भी और ये भी माइनस में रहेगा तो ये आंसर भी माइनस में आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया है ये रेडियन में आया है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन थे, बाकी ईजी है जो हमने ऊपर करके देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वहां पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब हमको यहां पर डिग्री में फाइंड आउट करना है इसको, तो डिग्री में फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर इसको 180 अपॉन पाई से गुणा करेंगे, यहां पर पाई बटा 180 से किया, यहां 180 बटे पाई से करेंगे। तो देखिए यहां पर जो ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है ये तो बिल्कुल इजी है, देखिए 5π/3 को अगर हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 60 बार और इसका आंसर आ जाएगा 60 × 5 यानी 300 डिग्री। तो इसी तरीके से 7π/6 को भी हम कर सकते हैं, तो देखिए 7π/6 को मल्टीप्लाई किया 180/π से तो इसमें भी पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से ये वापस से 30 बार हो गया तो ये हो गया 210 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल इजी थे, लेकिन जो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है इन दोनों के अंदर पाई नहीं कटेगा क्योंकि इसमें पाई नहीं है, तो पाई नहीं कटेगा उस स्थिति में इसको हमको मिनट और सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों एक जैसे ही प्रश्न है। मैं 11/16 को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट ऑप्शन, 11/16 को डिग्री में बदलो, 11/16 को हमें डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो देखिए डिग्री में बदलने के लिए सीधा सा नियम क्या बताया रखा है हमने कि 180/π से गुणा कर देते हैं, तो हमने इसको 180/π से गुणा कर दिया, ये कर दिया गुणा। लेकिन अब देखिए यहां पर पाई से पाई नहीं कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे कि पाई की जगह पर 22/7 अप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180, और पाई की जगह पर जब हम 22/7 लिखेंगे तो वो बटे का 7 भी ऊपर आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर जो संख्या सिंप्लीफाई हो सकती है उसको हम ले लेते हैं काट करके। देखिए 11 से ये कट जाएगा दो बार, ठीक है, और 2 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं 90 बार। उसके बाद 2 से और हम काट सकते हैं इस 90 को 45 टाइम्स और इसको 8 बार। अब हमारे पास जो संख्या चेंज होकर के आ जाएगी वो क्या रहेगी, 45 × 7 और बटे में 8। तो ये 7 को 45 से गुणा किया तो ये हो जाएगा, 7 को 5 से किया तो 35, 35 का 5 हासिल 3, 28 और 3 31 और बटे में 8। तो ये जो आया है आंसर ये अभी डिग्री में आया है, लेकिन डिग्री को हम बटे वाली संख्या के अंदर नहीं छोड़ सकते। तो कितना डिग्री इसके अंदर है, कितना ये मिनट रहेगा और कितना ये सेकंड में चेंज होगा वो अब आगे देखते हैं। तो अब इसको हम आगे चेंज करने का प्रोसेस देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 315 के अंदर भाग लगाना है हमको 8 का। तो 3 का भाग इसमें, 8 का भाग इसमें गया 3 बार, तो ये हो गया 8 × 3 = 24, 7 बज गए, 5 उतार लिया, 8 × 9 = 72 हो गया और 2 बच गया, 3 बच जाएगा। अब ये जितने बार पूरा पूरा भाग गया है ये तो बन जाएगा यहां पर डिग्री, जितने बार पूरा पूरा भाग गया वो डिग्री। अब नीचे जो बचा है ये भी डिग्री बचा है, लेकिन अब इसको चेंज करेंगे मिनट में। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 3 डिग्री में कितने होंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 180। अब 180 में दोबारा से भाग लगाएंगे 8 का, जिसका भाग लगा रहे हैं हम, तो ये हो गया 8 × 2 = 16, 2 बचे, फिर 0 उतार लिया और फिर 2 बार गया तो ये हो गया 8 × 2 = 16, यानी कि 4 रह गए। अब जितनी जी बार पूरा पूरा भाग गया है ये हो गया मिनट, तो ये हो गया 22 मिनट। अब नीचे जो बच रहा है ये मिनट में जो बचा हुआ है, अब इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर भी 60 सेकंड होते हैं, तो इसको फिर 60 से गुणा करा तो ये हो गया 240। अब 240 के अंदर फिर से भाग लगाएंगे 8 का, तो ये हो गया 8 × 3 = 24 और ये जो 0 बच रहा है ये यहां आ जाएगा, तो 30 बार पूरा पूरा चला गया तो ये 30 यहां पर बन जाएगा सेकंड। तो 11/16 रेडियन, तो 11/16 रेडियन बराबर हमने क्या निकाल लिया, 39 डिग्री, 22 मिनट और 30 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी प्रश्न है, बस थोड़े से हमको फॉर्मूले याद करने तो ये सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए देखिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको दे रखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360, देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो डिग्री लिखा हुआ है ये डिग्री नहीं है यहां पर, ठीक है, इसको हम डिग्री नहीं मानेंगे, इसको मैंने हटा दिया। अब केवल क्या रह गया, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो परिक्रमण का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर परिक्रमण का मतलब है चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है एक पहिया 1 मिनट में 360। तो 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा ये हमको यहां पर पता करना है।
तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि 360 चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, एक मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 360 चक्कर में वो टोटल कितना कोण बना लेगा, उसके बाद हम निकालेंगे कि एक सेकंड में कितना निकालेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, तो एक मिनट में हमको क्या दिया हुआ है, 360 चक्कर, परिक्रमण का मतलब यहां पर चक्कर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक निश्चित रेखा बना करके, प्रारंभिक रेखा बना करके, और किसी भी साइड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं और एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, तो हम वापस इसी रेखा पर आ जाते हैं, और ऐसा करने पर 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है, दो चक्कर में इसको दो से गुणा कर देंगे तो 720 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरीके से 360 चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हम यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। तो एक मिनट के अंदर 360 चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको 360 से गुणा कर दिया। एक मिनट में 360 इंटू 360 डिग्री है ये। ठीक है, अब हमको प्रश्न में दे रखा है कि एक सेकंड में कितना कोण बनाएगा, तो एक सेकंड का मतलब अब इस मिनट को हम सेकंड में बदल देते हैं, तो एक मिनट बराबर हो गया 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर भी यही रहेगा, 360 इंटू 360 डिग्री, और हमको निकालना है एक सेकंड में कितना कोण बनाएगा। एक सेकंड के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा एक सेकंड बराबर 360 इंटू 360 अपॉन 60, और ये टोटल डिग्री में आ रहा है सारा मान। तो 60 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 6 बार, और इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हासिल रह गया, 3 छेती 18 और 3 21, तो 2160 डिग्री एक सेकंड में बनाएगा। लेकिन जो आंसर हमको लाना है वो रेडियन में लाना है, एक सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, तो इसको रेडियन में हमें चेंज करना है। तो रेडियन में बदलने पर, तो रेडियन में बदलने पर हम क्या कर सकते हैं कि 2160 डिग्री बराबर रेडियन में बदलने के लिए हमको इसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके अलावा हम इसको अब पहले 2 के पार 9 से काट लेते हैं, 9 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 9 से ही हो जाएगा 9 दुनी 18, 3 बच गए 9, और 9 चौक 36, 24 बार, और 2 से और ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, तो 12 पाई आ गया, और ये जो आंसर आया है ये रेडियन में आया है। इसका मतलब कि एक पहिया अगर एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो एक सेकंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनेगा। अतः एक सेकंड बराबर 12 पाई रेडियन, तो वो पहिया 12 पाई रेडियन का कोण बना लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पर हमें दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की है और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, और पाई की जगह पर 22/7 हमें यूज करना है। तो 100 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, चाप की लंबाई यहां पर एक तरीके से हमको 22 दे रखी है,
और कोण हमको निकालना है रेडियन में। तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चाप की लंबाई दे रखी है हमको 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या हमको यहां पर दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और हमको कोण ज्ञात करना है और वो भी रेडियन में, डिग्री में, कोण हमको डिग्री में निकालना है। तो देखिए जैसे ये वृत्त है कोई, यहां पर इसका केंद्र हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये हमको दे रखा है 100 दे रखी है। इसके बाद मान लीजिए कि यहां से लेकर और यहां तक जो ये चाप की लंबाई है, यहां पर ये वाली, ये जो चाप की लंबाई हमको दिख रही है, ये प्रश्न में दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 22 दिया हुआ है हमको, और इसको जब हम यहां से मिलाते हैं तो ये जो बीच का एंगल है इसको हम थीटा बोलते हैं, ये हमको यहां पर निकालना है। तो चाप की लंबाई का ही फॉर्मूला यूज करना है अपन को, देखिए चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180। तो चाप की लंबाई हमको यहां पर 22 दी हुई है, इक्वल टू पाई की जगह पर हमको 22/7 यूज करना है, इनटू आर की जगह पर 100 हो जाएगा, और इनटू थीटा हमको निकालना है और बटे में 180 यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम इधर पक्षांतरण कर देंगे 22 की तरफ और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए थीटा की जो वैल्यू आएगी यहां पर 22 पहले से ही है, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, नीचे यहां पर कौन कौन सी संख्या है 7 और 180, तो ये ऊपर 22 के साथ गुणा हो जाएंगी 7 और 180, और अपॉन में ऊपर वाली संख्याएं आ जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 22 और 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया और 10 कैंसिल हो गई ये। इसके बाद हम इसको 2 से भी अगर काटते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 2 से 5 बार और ये 9 बार, तो अब हमारे पास रह गया 7 इंटू 9 और बटे 5, तो ये किसके बराबर हो गया अब 63/5, तो 63/5 डिग्री ये आया है। तो यहां पर 63/5 जो डिग्री आया है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री का जो मान होता है वो बटे में नहीं लिख सकते हम, इसको हमें मिनट और सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो अभी हमने पिछला सवाल करके देखा, तो हम इसको क्या करेंगे 63 में 5 का भाग लगाते हैं, तो 12 बार चला जाएगा, 3 रह गया, तो 12 बार जब पूरा चला गया तो 12 तो हो गया डिग्री। अब जो ये 3 डिग्री नीचे बचा हुआ है इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 180, और 180 के अंदर जब दोबारा से 5 का भाग लगाएंगे तो ये 36 बार चला जाएगा, 36 पंजे 180 होता है, तो 36 अब क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा मिनट। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 12 डिग्री और 36 मिनट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है डियर स्टूडेंट्स, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है और उसकी एक जीवा है 20 सेमी लंबाई की, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।
चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है कि एक तो जीवा दे रखी है व्रत की, व्रत की जो जीवा है वो 20 सेंटीमीटर की है और व्रत का जो व्यास है वो हमें यहां पर दिया हुआ है 40 सेमी, व्यास बराबर है 40 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई हमको यहां पर निकालनी है। तो इसके लिए हम एक व्रत बना करके देखते हैं क्या कंडीशन आती है। देखिए मान लिया हमने कि ये एक व्रत है और ये इस व्रत का केंद्र है और केंद्र को जब हम परिधि से मिलाते हैं तो ये त्रिज्या बनती है और हमको प्रश्न के अंदर त्रिज्या की जगह पर व्यास दे रखा है, तो हमें मालूम है कि जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है, तो हम व्यास को आधा कर देंगे 40 में 2 का भाग लगा के, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या भी इसकी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आ गई। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद एक जीवा दे रखी है 20 सेंटीमीटर की, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम डायरेक्ट मिलाएंगे सीधा तो वो जीवा होती है और परिधि पर चलते हैं तो वो चाप होता है। तो अभी हमने सीधा मिला दिया तो ये जीवा हो गई और इस जीवा की लंबाई भी हमको कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। जीवा के दूसरे सिरे को भी अगर हम केंद्र से मिला देते हैं तो ये भी 20 ही है, तो त्रिज्या तो कहीं भी हो बराबर ही रहती है, ये भी 20 है। अब ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं 20-20 है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज हो गया और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ये हम सब जानते हैं, इसलिए ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों मान आ गए, त्रिज्या आ गई, ठीक है, और एंगल आ गया। अब हमको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चाप की लंबाई भी कौन सी, छोटे चाप की लंबाई। देखिए एक तो ए से लेकर इसको बी पॉइंट अगर हम मान लेते हैं तो ये जो बीच वाला भाग है ए और बी के बीच वाला, ये वाला जो भाग है ए से बी के बीच का ये, और एक इसके पीछे की तरफ है ये बड़ा वाला भाग, ये पीछे का भाग ये दिख रहा है हमको, बड़ा हिस्सा है और इसके अंदर बीच का ये वाला छोटा हिस्सा है, तो छोटे चाप की लंबाई हमको यहां पर निकालनी है। देखिए छोटे चाप की लंबाई, तो छोटे चाप की लंबाई जब हम यहां निकालेंगे पाई आर थीटा बटे 180 वाले फॉर्मूले से, तो यहां पर हमको थीटा की जगह पर 60 डिग्री काम में लेना है, और अगर बड़े वाले की निकालते हम पीछे वाले भाग में चाप की लंबाई निकालते तो 360 डिग्री छोड़ने के बाद पीछे का जो एंगल बच रहा है इधर का वो 360 में से 60 को माइनस किया तो हम 360 की जगह 60 की जगह पर 300 डिग्री रखते तो बड़े चाप की लंबाई आ जाती। ठीक है, चलिए देखिए पाई का मान अगर दे रखा होगा तो उसको यूज करेंगे, पाई का मान इसके अंदर हमको नहीं दे रखा है तो पाई की जगह पाई लिख सकते हैं या 22/7 भी लिख सकते हैं, कुछ भी। देखिए पाई की जगह पर हमने 22/7 ले लिया। ठीक है, शुरुआत में ऐसा करते हैं पाई की जगह पर हम पाई लिखते हैं केवल, लास्ट में पाई की जगह रख देंगे तो उसके दो आंसर हो जाएंगे। तो देखिए पाई आ गया, आर की जगह 20 हो गया, थीटा की जगह पर 60 हो गया और बटे में 180 आ गया। 60 से इसको हमने कैंसिल कर दिया 3 बार तो अब ये हो गया 20 पाई बटे 3, तो 20 पाई बटे 3, तो ये चाप की जो लंबाई आ रही है वो सेंटीमीटर में आ रही है क्योंकि इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो चाप की लंबाई ये भी ठीक है अगर हम इतना भी करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम 22/7 लिख देते हैं पाई की जगह पर तब क्या होगा, देखिए पाई इक्वल टू 22/7 तब ये हो जाएगा 20 बटे 3
और पाई की जगह पर 22/7, 20 को गुणा कर लेते हैं 22 से, तो ये हो जाएगा 440 और नीचे हो जाएगा 21। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में भाग लगाएंगे, 440 में भाग लगाना है हमको किसका, 21 का। तो 440 में 21 का भाग लगाएंगे तो 20.9 और 5 के लगभग आंसर आएगा। ये लगभग में है, कंप्लीट भाग नहीं गया है। तो 20.95 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा छोटे चाप की लंबाई का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है और अपने केंद्रों पर 60 और 75 का कोण बनाते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ये अभी अभी हमने इसी वीडियो में एग्जांपल सॉल्व किया है, तो इसको आप स्वयं करके देख लेना, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल नंबर 7 है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करो, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्न है। यानी इस प्रश्न के अंदर ये तीन अलग अलग भाग है, एक में इसमें करके बताता हूं। देखिए यहां पर हमने मान लिया कि इस एग्जांपल को हम एक घड़ी के द्वारा समझ लेते हैं कि जो चाप की लंबाई दे रखी है वो 10 दे रखी है, ठीक है। और यहां पर अगर ये घड़ी की परिधि है चारों तरफ ये, और यहां पर घड़ी का सेंटर है, तो घड़ी की जो सुई है उसकी लंबाई हमको सवाल में दे रखी है, उसको हम 75 सेंटीमीटर को घड़ी की सुई की लंबाई मान लेते हैं, तो ये 75 सेंटीमीटर की है। अब ये घड़ी की सुई एक सिरे से, जैसे मान लीजिए यहां से और यहां तक चलती है, जैसे आप सभी ने वो दोलक वाली घड़ी देखी होगी, पेंडुलम वाली घड़ी, उसमें नीचे का जो पेंडुलम होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाता है। जैसे यहां से पहले इधर आएगा और इसके बाद यहां से ये लौटेगा और दोबारा इधर आएगा यहां से फिर, और ये इसी तरीके से चक्कर लगाता रहता है। तो ये जो दो सिरे हो गए, इन दोनों सिरों के बीच की जो दूरी हमको दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इन दोनों सिरों को अगर हम इस केंद्र से मिला देते हैं तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये थीटा है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है रेडियन में। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है पाई आर थीटा बटे 180, वो उसमें जो थीटा आता है वो डिग्री में आता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी डिग्री में ही आएगा, तो उस डिग्री को रेडियन में चेंज हम कर लेंगे बाद में। तो चाप की लंबाई से हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहां पर जो घड़ी के सुई की लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर हम मान लेंगे जो सवाल में दे रखी है। तो देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला सीधा सीधा यहां लगा लेते हैं हम। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए चाप की लंबाई हमें 10 दी हुई है, पाई हमने ऐसा कैसा ही रख दिया अभी, आर की जगह पर 75 और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है इसलिए उसको ऐसा कैसे ही रहने दिया, और बटे में 180 हो गया। अब यहां से हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा के साथ जो भी संख्याएं लिख रही है सबका दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो 10 के साथ तो गुणा हो जाएगा 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, और पाई और 75 इधर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से हमने 75 को काट लिया 15 बार और 18 को काट दिया 36 बार, फिर दोबारा हम 5 से इसको और काट लेते हैं 3 बार और 5 से 10 को काट देते हैं 2 बार, 3 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा 12 बार। तो अब हमारे पास रह गया 12 × 24 बटे पाई, तो 24 बटे पाई हमारे पास आ गया। ये जो आंसर आया है डियर स्टूडेंट्स ये डिग्री में आया है। अब हमें इसको रेडियन में बदलना है, प्रश्न में जो भी दे रखा है वो रेडियन में हमको एंगल निकालना है। तो देखिए रेडियन में
थीटा बराबर। तो रेडियन में वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई कट गया और 24 बटे 180 रह गया, जिसको हम काट लेते हैं, दो से काटा हमने मान लीजिए, 12 से काट लेते हैं तो 12 दूनी 24, दो तो ऊपर रह गया और 12 से इसको काट दिया तो 2/15 आ जाएगा। तो रेडियन में जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2/15 आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है उसमें चाप की लंबाई चेंज होगी केवल, जो भी दे रखी है, और इसी तरीके से उसको सॉल्व करके हम उनके भी आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। इस वीडियो को एक बार फिर से बिना स्किप किए पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को समझिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आ जाए और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें। और इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं 3.2 और 3.3 से, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।